गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस्ड बीएससी पार्ट सेकंड क्वांटम मैकेनिक्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स आर विच आर गिवन एट ए टाइम एंड सेम डायरेक्शन फॉर ए पार्टिकल डोंट मेजरमेंट एक्यूरेसी इन same time and same direction for a their position and their momentum। जैसे first था हमारा कि किसी भी कण के लिए एक ही दिशा के अंदर एक ही समय पर उसकी स्थिति और समय का जो है हम मापन परिशुद्धता से नहीं कर सकते। उसके मापन के लिए डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू। इसी तरह से एक ही समय पर किसी कण की ऊर्जा व समय का मापन नहीं किया जा सकता तथा उसका कोणीय संवेग व कोणीय विस्थापन को मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। उसके औचित्व के लिए हमने कल दो एक्सपेरिमेंट देखे तो उनकी जो डिटेल में व्याख्या कर सके। नेक्स्ट आज की हम बात कर रहे हैं कि उसी एप्लीकेशंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। फर्स्ट है कि नाभिक के अंदर क्या इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व है। अगर नॉन नहीं है तो उसके अस्तित्व या अनअस्तित्व की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। माना हमें ज्ञात है लगभग जो नाभिक के परमाणु के नाभिक की त्रिज्या होती है वो लगभग 1.5 फर्मी की कोटि की होती है। अर्थात नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व माना जाए तो उस स्थिति में अनिश्चितता की कोटि जो है वो प्लस माइनस नाभिक की त्रिज्या के इक्विवेलेंट हो। अर्थात डेल्टा एक्स जो पार्टिकल जहाँ से भी रह सकता है वो आर इजिकल टू 5×10^-15 मीटर के अकॉर्डिंग होगी। देन हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन के संवेग में न्यूनतम अस्थिरता डेल्टा पी एक्स इजिकल टू एच क्रॉस बाई टू अपॉन डेल्टा एक्स। वैल्यू पुट कर दी हमने एच क्रॉस की वैल्यू 1.054×10^-34 अपॉन 2×5×10^-15। देन वैल्यू वी फाइंड 1.054×10^-20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अतः इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम समय पी उसके अनिश्चितता के बराबर होना ही चाहिए। अर्थात नाभिक में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम समय डेल्टा मिनिमम इजिकल टू डेल्टा पी इजिकल टू 1.054×10^-20 केजी मीटर पर सेकेंड। देन आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन से हम इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा ई मिनिमम इजिकल टू रूट पी मिनिमम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो सी स्क्वायर सी फोर। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा एम जीरो सी स्क्वायर इजिकल टू 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा की तुलना में नगण्य है तब पी मिनिमम स्क्वायर सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन एम जीरो सी फोर स्क्वायर। देन इक्वलेंट ऑफ ई मिनिमम इजिकल टू पी मिनिमम इंटू सी। देन वी फाइंड इजिकल टू द ई मिनिमम एनर्जी इज द 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात नाभिक में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व के लिए इसकी न्यूनतम ऊर्जा 20 मेगा इलेक्ट्रॉन की कोटि की होनी चाहिए। लेकिन बीटा खे के एक्सपेरिमेंट से हमने ये ज्ञात किया, हमें ये प्रक्षण जो है हमें प्रक्षित किया गया कि स्थायी नाभिक से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक नहीं पाई जा सकती। तो यहाँ एनर्जी जो है अर्थात इससे स्पष्ट हो गया कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। माना हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थिति में आर दूरी तक की अनिश्चितता है। अर्थात प्रोटॉन को केंद्र मानते हुए आर त्रिज्या के गोले में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है अर्थात डेल्टा एक्स इजिकल टू आर। देन हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से डेल्टा पी इजिकल टू एच क्रॉस बाई आर। चूँकि इलेक्ट्रॉन के समय में अनिश्चितता एच क्रॉस बाई आर के कोटि की है अतः परमाणु में इलेक्ट्रॉन का समय कम से कम अनिश्चितता कोटि का होना चाहिए अर्थात पी इजिकल टू एच क्रॉस बाई आर। लेकिन हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा टी इजिकल टू पी स्क्वायर बाई टू एम या एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम आर स्क्वायर। पी की वैल्यू पुट कर दी देन इलेक्ट्रॉनों की स्थितिज ऊर्जा वी इजिकल टू माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर। देन कुल ऊर्जा ई इजिकल टू टी प्लस वी देन ई इजिकल टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर माइनस के ई स्क्वायर बाई आर।
परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा न्यूनतम होनी चाहिए, अर्थात इस स्थिति में डेल ई बाई डेल आर का मान है जो शून्य होना चाहिए। देन इस इक्वेशन एक का हम आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन करें, देन डेल्टा ई बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस टू एच क्रॉस अपॉन टू एम आर क्यू प्लस के ई स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देन आर इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम ई स्क्वायर, ये जो है अप्रोक्सीमेटली बोहर मैग्नेट्रॉन में बोहर त्रिज्या के इक्विवेलेंट है ई नॉट। देयर वैल्यू फाइंड, सबकी वैल्यू रखने के बाद वैल्यू फाइंड आउट 0.53 एंगस्ट्रॉम, अर्थात आर का न्यूनतम मान ए जीरो है, अर्थात परमाणु के न्यूनतम आकार की कोटि एंगस्ट्रॉम के कोटि के बराबर है, अर्थात परमाणु के बोहर के परमाणु मॉडल से परमाणु की समान विमा पाई गई, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर की ऊर्जा ई मिनिमम इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर टू एम ए स्क्वायर माइनस के ई स्क्वायर ए जीरो के इक्वलेंट होने चाहिए। देन टोटल वैल्यू पुट के वैल्यू 9 × 10⁻⁹ एम मास ऑफ प्रोटोन सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³⁻ एंड एन ई आवेश ऑफ द इलेक्ट्रॉन and total value put, then we find out is equal to their minimum energy is minus 13.6 electron volt। यह जो energy है यह मूल ऊर्जा स्तर का आंकलन करे तब न्यूनतम energy क्या होगी, E minimum is equal to minus 13.6, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल की प्रथम कक्षा की ऊर्जा के बराबर है, अर्थात आंकलन को केवल गुणात्मक महत्व है, अर्थात अनिश्चय सिद्धांत और न्यूनतम ऊर्जा के अस्तित्व मानकर किया गया आंकलन लगभग सही है, अर्थात ई मिनिमम का ऋणात्मक मान परमाणु के अस्तित्व को दर्शाता है। तो यहाँ प्रथम ऊर्जा जो है बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग है। तो नेक्स्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, थर्ड एप्लीकेशन है आवर्ती दोलित्र की मूल ऊर्जा अवस्था या ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। हम जानते हैं सरल आवर्त किसी कोई कण सरल आवर्त दोलन कर रहा हो तो उसकी कुल ऊर्जा E इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम प्लस हाफ एम जीरो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जहाँ P उस कण का मोमेंटम, M उसका मास, ओमेगा जीरो उसका कोणीय आवर्ती, X उसका डिस्प्लेसमेंट। तो माना आवर्ती दोलित्र की न्यूनतम ऊर्जा स्तर में कण की स्थिति x तथा समय पी एक्स से कम उसमें अनिश्चितताओं की कोटि डेल्टा x व डेल्टा पी एक्स के बराबर होनी चाहिए। देन न्यूनतम ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा E मिनिमम इज इक्वल टू डेल्टा पी एक्स होल स्क्वायर डेल्टा पी एक्स स्क्वायर अपॉन टू एम बाई वन प्लस टू एम जीरो एम ओमेगा जीरो स्क्वायर डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। देन हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से डेल्टा पी एक्स डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एस क्रॉस बाई टू, देन ई मिनिमम इज इक्वल टू वन बाई टू वन बाई फोर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम डेल्टा स्क्वायर। यहाँ से हमने जो हाइजेनबर्ग के सिद्धांत है यहाँ से डेल्टा पी एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया अबो इक्वेशन में। देन ई के न्यूनतम होने के लिए आवश्यक है डेल्टा ई मिनिमम बाई डी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इस इक्वेशन का हमने डेल्टा एक्स के रेस्पेक्ट में ई का जो है डेरिवेटिव किया, देन वी फाइंड आउट डेल्टा एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर। यहाँ डेल्टा एस स्क्वायर का मान रखने पर आवर्ती दोलित्र की न्यूनतम ऊर्जा, देन ई मिनिमम इज फाइंड आउट इज वन बाई टू एच क्रॉस ओमेगा जीरो, जो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग सरल आवर्त की शून्य बिंदु ऊर्जा जीरो पॉइंट एनर्जी के इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट इसके एप्लीकेशंस की बात करें वो है वर्णक्रम रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार न्यूट्रल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस। जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उत्तेजित अवस्था में कुछ क्षण ठहर कर पुनः निम्न ऊर्जा में आ जाता है। जितने समय तक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में रहता है वह औसत समय ऊर्जा स्तर का जीवन काल यानी लाइफ टाइम कहलाता है। सामान्यतः ऊर्जा स्तर या जीवन काल जो टो इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेकंड से प्राप्त होता है। यदि उत्तेजित ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का परिकलन करना चाहे तो कम से कम ऊर्जा स्तर के जीवन काल के बराबर समय तक इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन समय में अनिश्चितता बनी रहेगी। इतने समय में उसकी ऊर्जा की अनिश्चितता बनी रहेगी जो हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार है, अर्थात अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार उत्तेजित ऊर्जा स्तर के ऊर्जा निर्धारण में डेल्टा ई इज इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू डेल्टा टी ऊर्जा की अनिश्चितता आ जाएगी। अतः उत्तेजित स्तर की ऊर्जा के निर्धारण में अनिश्चितता डेल्टा ई इज इक्वल टू
एच क्रॉस बाई टू डेल्टा टी, एच क्रॉस की वैल्यू डेल्टा टी का हमने वैल्यू रख दी, देन डेल्टा ई एनर्जी इज इक्वल टू 3.3 × 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कारण उत्तेजित स्तर की ऊर्जा में यह सहभागी नेट विड्थ होती। परमाणु में जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा में डेल्टा ई विस्तार पाया जाता है, जिसके कारण फोटोन की आवृत्ति डेल्टा न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच एंड 1/4 डेल्टा टी। देन वैल्यू 7.96 × 10⁻⁶ पर सेकेंड। यहाँ हम एग्जाम्पल देख के परिणाम यहाँ पर देखते हैं। उत्तेजित परमाणु कभी भी एकल आवृत्ति से फोटोन उत्सर्जित नहीं करता, बल्कि एक रेंज में होता है न्यू माइनस डेल्टा न्यू तथा न्यू प्लस डेल्टा न्यू, आवृत्ति प्रास में ही फोटोन उत्सर्जित होते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देखें हम एक, यदि किसी स्थिति में अनिश्चितता 0.1 nm हो तो इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता की गणना कीजिए। यहाँ उसकी स्थिति में अनिश्चितता अर्थात जो दी हुई वैल्यू है वो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.1 nm या 10⁻¹⁰ m। अनिश्चितता के सिद्धांत से डेल्टा पी एक्स डेल्टा एक्स इक्विवेलेंट और ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू, देन न्यूनतम अनिश्चितता डेल्टा पी इज इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू डेल्टा एक्स, परंतु डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी के अकॉर्डिंग, देन डेल्टा वी इज इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू एम डेल्टा एक्स। देन पुट द वैल्यू, वी फाइंड आउट देयर वैल्यू वेग अनिश्चितता 5.10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए हम, एक रेडार स्पंद का काल टाइम दे रखा, उसकी टाइम की जो अनिश्चितता है डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी 0.25 μs, देन फोटोन की ऊर्जा में अनिश्चितता की कोटि क्या होगी। देन हाइजनबर्ग के ऊर्जा व समय अनिश्चितता सिद्धांत से डेल्टा ई बाई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन एन इक्विवेलेंट एच क्रॉस बाई टू, देन न्यूनतम अनिश्चितता, न्यूनतम इट मीन्स डेल्टा ई डेल्टा टी इक्विवेलेंट टू एच क्रॉस बाई टू, देन डेल्टा ई इज इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू डेल्टा टी। देन एच क्रॉस पर डेल्टा टी की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 1.32 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखें। थैंक यू।